हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक और नए रेसिपी के साथ। तो आज मैं शेयर करूंगा मसाला पेटीज का रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्पी है। फ्रेंड, आप इसको बहुत ही इजी तरीक़ा से अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए आज का रेसिपी हम स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करते हैं। मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। सबसे पहले हमें फिलिंग तैयार करना है, तो उसके लिए हमने 4 ठो आलू को हमने कद्दूकस करके कर लिया था और इसे हमने अच्छे से धुलाई कर लिया है। आलू जो है यहाँ पे हमने कच्चा आलू लिया है। अब हमें इसमें 1 ठो बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। अब हमें ऐड करना है 1 ठो शिमला मिर्च बारीक बारीक कटा हुआ। आपको जो सब्ज़ी इसमें पसंद है आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब हमें ऐड करना है 2 ठो कद्दूकस किया हुआ गाजर। अब इसमें 1/2 चम्मच हमें नमक ऐड करना है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद फ्रेंड हमें इसे 5 से 7 मिनट तक इसको छोड़ देना है, क्योंकि फ्रेंड हमने सब्जी में नमक डाला था तो जो सब्जी है वो हमारा थोड़ा गल जाएगा और उसका जो पानी है वो पानी निकल जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे 5 से 7 मिनट तक नमक ऐड करके मिक्स करके छोड़ देना है। यहाँ पर हमारा सब्जी जो है वो सेट हो रहा है, उतना देर में हम आटा गूंथ कर रेडी कर लेते हैं। अब हमें आटा गूंदना है, तो उसके लिए हमने मिक्सिंग बाउल में यहाँ पे 2 कप आटा ऐड करना है। अब इसमें हमें डालना है 1/2 चम्मच अजवाइन। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है अजवाइन और आटा को। अब हमें थोड़ा सा नमक डालना है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें आटा को गूंथना है। तो हम जो रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसे हमें सख्त आटा गूंद के रेडी करना है। यहाँ पे हमने आटा गूंद कर डो बना के रेडी कर लिया है और हमारा जो डो है वो बहुत ही हमने सख्त गूंदा है। तो चलिए अब इसे हम रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे हमने 5 से 7 मिनट तक सब्जी को छोड़ दिया था और इसमें देखिए पानी है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसे हमें मुट्ठी से थोड़ा थोड़ा सब्जी लेके इस तरह से निचोड़ना है ताकि इसका जो पानी हो वो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें का पानी जो है निकल गया है। तो हमें इसी तरह से निचोड़ लेना है सभी सब्जियों को। पे हमारा सब्जी में से इतना पानी निकला है तो इसे हमें फेंकना नहीं है, इससे आटा गूंदने में या घोल बनाने में आप यूज कर सकते हैं। तो इसको हम साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जी जो है फ्रेश रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हमें 1/2 चम्मच गोटा जीरा ऐड करना है। अब हमें 3-4 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ ऐड करना है। 1/2 चम्मच हमें चिली फ्लेक्स ऐड करना है। 1/2 चम्मच हमें गरम मसाला ऐड करना है। थोड़ा सा चटपटा करने के लिए यहाँ पे हम 1/2 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। अब हमें इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया तो उस हिसाब से हमें नमक इसमें ऐड करना है। सब्जियों का दुश्मन धनिया पत्ता ऐड करना है हमें। अब हमें सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारा आटा जो है वो बहुत बढ़िया से सेट हो गया है, तो इसको हम थोड़ा सा मसल दे रहे हैं ताकि ये चिकना हो जाए। और इसका हमें 3 ठो बड़ा बड़ा लोई बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 3 ठो जो लोई है वो बन के रेडी हो चुका है। अब एक लोई लेना है और इसे हमें प्लेन कर देना है। अब ऐसा हमें प्लेन कर लेना। अब हमें इसे थोड़ा सूखा आटा में लगा देना है। इसे हमें रोटी के जैसा बेलना है। हमें इसे रोटी जितना पतला और रोटी से बड़ा बेलना है। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने रोटी से भी बड़ा बेल कर रेडी कर लिया है। अब इसमें हमें जो सब्जी का हमने मिक्स करके रखा था उसे ऐड करना है। सब्जी को हमें अच्छे से फैला देना है। सब्जी ऐड करने के बाद अब हमें इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करते रहना है और ऊपर से हमें दबाते रहना है ताकि सब्जी जो है वो अच्छे से चपक जाए। और हमें इसका एक टाइट सा रोल बना के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है और हमारा एक टाइट सा रोल जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसे साइड से इसे अच्छे से दबा देना है ताकि ये फूले नहीं। अब यहाँ पे हमें ऐसा एक जाली वाला बर्तन ले लेना है और इसमें हमें थोड़ा सा वही लगा देना है चारों तरफ से। अब हमने जो टाइट सा रोल बनाया था अब उसे हमें इसका ऊपर में ऐड करना है। इसी तरह से रोल हमें और बना लेना है।
यहाँ पे हमने 3 रोल बना के रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने पानी पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जो जाली वाला बर्तन में हमने रोल रखा था उसे हमें इस पानी के ऊपर रख देना है इस तरह से। अब इसे हमें ढक देना है और इसे हमें 10 मिनट तक इसको भाप में पकाना है। अब यहाँ पे हमने जो सब्जी वाला पानी था उसमें हमें 1 कप मैदा ऐड करना है और इसमें हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और हमें 1 पतला सा घोल बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे पतला सा घोल जो है हमारा रेडी हो चुका है। भाप में रोल को हमने 10 मिनट तक इसको पका लिया था और ये देखिए कितना बढ़िया हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड, ये जो रोल है इसको हमें 3 पीस काटना है और हमें जो पीस हम काट रहे हैं उसे हमें 1 साइज का ही कट करके रेडी करना है। ये देखिए फ्रेंड, हमें इस तरह से रोल का पीस काट कर रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, तो हमने 1 साइज का यहाँ पे पीस काट कर रेडी कर लिया है। अब हमें 1 पीस लेना है और हमने जो घोल बनाया था उसमें हमें इसको ऐड कर देना है और घोल अच्छे से हमें लगा देना है। हमारा मीडियम गर्म है तो चलिए अब हम इस तेल में ऐड करते हैं। आप ऐसा बना के खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट नाश्ता है। तो हमें यहाँ पे कढ़ाई में 3 आटा है तो हम इसे 3 ही फ्राई करेंगे। अब हमें इसे अच्छे से दोनों साइड क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। इसे पलट देना है क्योंकि इसका 1 साइड जो है वो पक गया है। अब हमें इसे उलट पुलट कर चारों तरफ अच्छे से हमें इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, तो ये अच्छे से दोनों साइड पक गया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हमें इसी तरह से और भी है उसे भी बना लेना है। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा रेसिपी जो है वो बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड, आप अपने घर में एक बार जरूर बनाए खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे चटनी के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।